आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा 5 लोकसभाओं सीटों पर 5-5 लाख वोट के अंतर से जीतने के लिए तैयारियां कर रही है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा लोकसभा में भी भाजपा लगातार प्रचंड जीत के लिए कार्यरत है। इस बात को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा सीट में शक्ति केंद्र पर काम हो रहे हैं। साथ ही आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के बॉर्डर पर यानी कुंजी कुट्टी जोलिंगपोंग और पार्वती कुंड आया है और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से रोड कनेक्टिविटी का अवसर प्राप्त हुआ है जो सिर्फ भाजपा सरकार में हो सकता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बूथ तक के कार्यकर्ताओं का जो भी जिम्मेदारियां चल रही हैं, जो भी कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं, शक्ति केंद्र तक काम कर रहे हैं। जिले के भी विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। और लोकसभा की दृष्टि से अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे बॉर्डर के गांव, यानी कि कहना चाहिए कि गुंजी कुट्टी और जोलिंगपोंग और आदि कैलाश और पार्वती कुंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जागेश्वर धाम आए, पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा की। अभी थोड़े टाइम पहले ही नितिन गडकरी जी का भी कार्यक्रम 3-4 दिन पहले मेरे लोकसभा में रहा, जिससे मुझे 2200 करोड़ रुपये के डबल लेन लगभग सारी की सारी रोडें मेरी, चाहे वो गढ़वाल की कनेक्टिविटी है, चाहे वो नैनीताल लोकसभा की कनेक्टिविटी है, और इंटरनल जितनी कनेक्टिविटी लगभग है सभी रोडों को NH भी हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट के विकास के लिए दिए, जिस जो NH नहीं भी हैं उसको भी डबल लेन करने का काम किया है। ऑल वेदर रोड भी मेरे वहाँ बहुत अच्छी है। तो मैं कह सकता हूँ कि अंतिम गाँव में बैठा व्यक्ति भी जो विचार करता था कि ये अत्याधुनिक चीज़ें हमारे गाँव तक पहुँचेंगी, तो मेरा कुट्टी गुंजी ये जुम्मा राती खेला, जो लोग सोचते थे इतने किलोमीटर सरकार कभी बिजली भी देगी या नहीं देगी, कि भाई इतने दूर कैसे देंगे, इनका जिप्ती गांव है, कभी कोई सोचता नहीं था इनके गांव में बिजली जाएगी, तो बिजली गई, पानी गया, घर गया, और आज अच्छी रोडें गई हैं और पर्यटन वहाँ जा रहे हैं, लोगों को होम स्टे मिल रहे हैं, रोज़गार मिल रहे हैं। सीमांत क्षेत्र का व्यक्ति आज अंतिम गाँव का न होकर के पहले गाँव का हो गया, उसका एहसास भी हो रहा है।